हेलो दोस्तों, आज हम आपको ऐसी नदी के बारे में बताना चाहेंगे जहाँ साल भर बहता है उबलता हुआ गर्म पानी। भारत समेत दुनिया के कई देशों में कई तरह की नदियां हैं जिनके बारे में अजब गजब बातें हैं। जैसे कोई नदी बहुत लंबी होती है तो कोई बहुत चौड़ी, यानी किसी का पानी बिल्कुल साफ होता है तो किसी का मटमैला। इन सभी नदियों में सूर्योदय से पहले गर्म और सूर्योदय के बाद ठंडा पानी मिलता है। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी अनोखी नदी भी है जिसमें 24 घंटे और साल के 365 दिन उबलता हुआ पानी बहता है। यह नदी दक्षिण अमेरिका अमेजन बेसिन में स्थित है, जिसको बॉइलिंग रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इस अनोखी नदी की खोज ऑट्रेस रूजो ने साल 2011 में की थी। इस उबलते हुए पानी की नदी की लंबाई 6.4 किलोमीटर, चौड़ाई 82 फीट और गहराई 20 फीट है। अमेजन बेसिन में यह नदी जंगल के बीच बहती है। इसका पानी 200 डिग्री फारेनहाइट पर उबलता रहता है। यह तापमान इतना है कि अंडे और चावल आसानी से उबाल सकता है। कहा जाता है कि यदि कोई जीव इस नदी में गिर जाए तो वो जिंदा नहीं बचता। ठंड के मौसम में भी इस नदी का पानी इतना ही गर्म ही रहता है। लोगों का कहना है कि इस नदी में पानी इतना गर्म रहता है कि आप उसमें आसानी से चावल तक पका कर खा सकते हैं। बॉइलिंग रिवर के आसपास उसके गर्म पानी की भाप उड़ती दिखती है। इस भाप की वजह से कई बार इलाके में दृश्यता यानी विजुअलिटी काफी कम हो जाती है। इस वजह से इलाके में अनजाने लोगों के हादसों का शिकार बनने का खतरा अधिक रहता है। हालांकि पानी और कुदरत के इस नजारे को देखने के लिए लोग यहाँ आते रहते हैं। कुछ भी हो, लेकिन इसके बावजूद बॉइलिंग रिवर इस खासियत और कुदरत के अनोखे नजारे को देखने के लिए लोगों के मन में उत्सुकता बनी रहती है और वो बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं।